गाइस कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल जिया की दुनिया में स्वागत है और मैं हूँ जिया। आज हम बनाएंगे आलू पकौड़ा जो बरसात के मौसम में बहुत यमी एंड टेस्टी लगता है। आप चाय के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं और हरी मिर्ची चटनी साथ ये ऑसम जाता है। सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू को आप धो मिट्टू मेरा नवे पुटो चुप। आलू को धो करके हमें ऐसे स्लाइस काट लेना है। आलू को पतला रखेंगे। आप इसको चाहे तो छील कर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो चलिए हम आलू को धोकर के अच्छे से रख लेंगे। अब बेसन, उसमें सूखी लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अपने नमक अपने हिसाब से रखना। ये थोड़ा सा हम अजवाइन ऐड कर रहे हैं और ये थोड़ा सा मंगरेला भी ऐड करें। इसके से टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी आता है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे तरह से एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। और देखो पेस्ट ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब एक हम इसमें ग्राइंडर में हरी मिर्च और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तीखा आपको पसंद हो तो लहसुन को हम थोड़ा सा पानी एक से दो चम्मच पानी डाल के हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखो इसका ये पेस्ट बन चुका है। अब ये पकौड़ी जो था इसमें हम उसको ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ऐसे तीखा नहीं होता, दिखने में लग रहा है कि बहुत तीखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें ऑयल डालेंगे और गर्म होने देंगे। और ये आलू को जितना भी था इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे डिप करके इसको डाल देंगे। आँच हमें मीडियम रखना है। दोनों तरफ से हमें बराबर सेक लेना है। आप देख सकते हो ये सीख गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखो देखने में कितना यमी एंड टेस्टी लग रहा है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत यमी एंड टेस्टी लगता है। आप अगर आपको हरी मिर्च की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, उसकी वीडियो में अपलोड कर दूँगी। एक बार ट्राई जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। दुआओं में याद रखना। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बताना जरूर कि कैसे लगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।